आप लोगों को क्या लगता है कि जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो वो शेयर्स क्या एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो के पास रहते हैं? जी नहीं, वो रहते हैं आपके स्टॉक मार्केट के बैंक के पास। ऐसे बैंक जो आपके पैसे नहीं बल्कि आपके स्टॉक्स को संभाल के रखते हैं, और ये दो बैंक हैं CDSL और NSDL। और आज की इस वीडियो में हम CDSL के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये CDSL एक्चुअल में करता क्या है और क्या रीजन है कि एक बार मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद इसका स्टॉक पिछले 6 महीने में लगभग 13% तक गिर गया है, और क्या ये स्टॉक अब फिर से बाउंस बैक करने वाला है, सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो वेल्दी विजडम में आप सबका स्वागत है, लेट्स स्टार्ट। तो CDSL और NSDL दो सेबी ऑथराइज्ड डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, और इन्हीं दो के पास रहते हैं हम सबके डीमैट अकाउंट्स। और ये जो जीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन जैसी एप्स हैं, ये कहलाते हैं डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स, जो इन्वेस्टर्स यानी हम और इन डिपॉजिटरीज के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो डीमैट अकाउंट्स हम इनके थ्रू जरूर खुलवाते हैं, लेकिन वो स्टोर होते हैं CDSL और NSDL में। और इन दोनों में CDSL है इंडिया की लार्जेस्ट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, जहां CDSL के पास फेब 22 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 6 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके थे। वहीं NSDL में जून 22 तक भी सिर्फ 2.8 करोड़ डीमैट अकाउंट ही हैं। अब इसका एक रीजन है कि जितने भी आजकल के ब्रोकर्स हैं जैसे एंजल वन, अपस्टॉक्स वगैरह, तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं CDSL के, ना कि NSDL के। तो इनमें जो भी अकाउंट्स खुलेंगे वो डायरेक्टली CDSL में ही खुलेंगे। और कोविड के ईज ऑफ होने के बाद जब शेयर मार्केट में एक बूम आया था 2021 में, तो लोगों ने इन एप्स के जरिए डीमैट अकाउंट खुलवाना स्टार्ट कर दिया, और इसी वजह से CDSL NSDL से बहुत आगे निकल गया। तो अब देखिए, CDSL डीमैट अकाउंट्स तो अपने पास स्टोर रखता है, लेकिन ये पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि हम तो सारे पैसे अपने ब्रोकर्स को देते हैं। तो देखिए, इसका रेवेन्यू मॉडल समझने से पहले आपको इसकी सर्विसेज समझनी पड़ेंगी। तो सर्विसेज में इसके तीन मेन सेगमेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है डिपॉजिटरी सेगमेंट, जिसमें डीमैट अकाउंट ओपनिंग, सिक्योरिटीज ट्रांसफर और प्लेजिंग और ई वोटिंग की सर्विसेज आती हैं। दूसरा सेगमेंट है डेटा एंट्री एंड स्टोरेज, जिसमें ये KYC के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं, मतलब जो हम eKYC वगैरह करवाते हैं ना जब अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो वो CDSL ही करता है। थर्ड सेगमेंट है रिपॉजिटरीज, जहां पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती हैं। अब आपने इसके डिफरेंट सेगमेंट्स को समझ लिया है, तो अब आप रेवेन्यू मॉडल भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं आपको 2021 का रेवेन्यू शेयर बता रहा हूं। मोर ओवर हर साल ये परसेंटेज लगभग सेम ही रहती है। तो सबसे पहले है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिससे कंपनी को आता है लगभग 34% का रेवेन्यू। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, उनको इन डिपॉजिटरीज को एनुअल चार्जेस पे करने होते हैं पर फोलियो। इसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो हम इन्वेस्टर्स को देने होते हैं एज CDSL फी, और ये हमको तब पे करने होते हैं जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे होते हैं। अब देखिए, जब हम शेयर्स खरीद रहे होते हैं तब हमको ये फी नहीं देनी होती है, क्योंकि जब हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो कोई और तो बेच रहा होगा ना, तो वो जो उस टाइम पे शेयर्स को बेच रहा है वो इस फी को पे करेगा। अगर आपने कभी शेयर्स को सेल किया है तो आपको पता होगा इस फी के बारे में। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस से CDSL को आता है लगभग 19% का रेवेन्यू। इसके बाद हमने आपको बताया है कि ये eKYC का डेटा भी स्टोर करके रखते हैं, तो इसके लिए ब्रोकर से चार्ज लिया जाता है डेटा को वेरीफाई करने के लिए, और इसके अलावा डेटा रिट्रीवल के लिए भी चार्ज लिए जाते हैं। और ये काम CDSL की एक सब्सिडियरी CDSL वेंचर्स करती है, जिसका मार्केट में 60% का शेयर है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट KRA यानी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है। अब इसके अलावा कंपनीज अपने IPOs लेके आती हैं, तो उसके लिए भी उनको CDSL को फी देनी होती है, तो वहां से इनका आता है लगभग 10% का रेवेन्यू। इसके अलावा अदर सोर्सेज से इनका है लगभग 22% का रेवेन्यू, जिसमें ई वोटिंग सर्विसेज और अकाउंट मेंटेनेंस फी एटसेट्रा आ जाते हैं। तो अब आप रेवेन्यू मॉडल को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब जानते हैं कि इस रेवेन्यू मॉडल को लेके कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके बाद कुछ फंडामेंटल्स भी देखेंगे, और कंक्लूजन में ये जानेंगे कि वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको आपको CDSL में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, और जिन रीजंस की वजह से कंपनी का स्टॉक गिरा है, क्या कंपनी उन रीजंस को ओवरकम कर पाएगी इन फ्यूचर या नहीं, और इसके अलावा कुछ टारगेट्स भी देखेंगे। तो चलिए, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के लिए प्रवास के पास चलते हैं। चलिए अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 3 सालों में इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट 38% रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का पिछले 3 सालों में स्टॉक प्राइस CAGR 57% रहा है, और इस कंपनी के अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 27% के आसपास रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के हिसाब से मार्च क्वार्टर में कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 8.75% का डिक्रीज आया है। इसके अलावा मार्च क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में 24.44% कम हुआ है। इसी सेम टाइम पीरियड के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 11% तक घटा है। और अगर मार्च क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इस बार इसमें 19.23% की गिरावट देखने को मिली है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का कंपैरिजन एनुअल बेसिस पे करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की सेल्स में 0.72% का इंक्रीज आया है।
लेकिन अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.84% तक घटा है। इसके साथ साथ इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 9% की गिरावट देखने को मिली है। और फाइनली अगर कंपनी के एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 11.53% तक घटा है। तो चलिए CDSL को और अच्छे से समझने के लिए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के साथ। इस कंपनी में BSE लिमिटेड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और LIC जैसे बड़े बड़े प्रमोटर शामिल हैं और इन्होंने बहुत ही लंबे टाइम से इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को 20% पर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो दिसंबर से लेकर मार्च क्वार्टर के बीच में इन्होंने कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसी ड्यूरेशन में कंपनी में टोटल नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स 169 से घटकर 160 हो चुके हैं। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो दिसंबर से लेकर मार्च क्वार्टर के बीच में इन्होंने इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को 7% तक कम किया है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को 7.39% से बढ़ाकर 7.78 कर दिया है। अगर इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कंबाइंड शेयर होल्डिंग की बात करें, मतलब अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग को कंबाइन कर लें तो दिसंबर से लेकर मार्च क्वार्टर के बीच में ये 34.29% से घटकर 33.19% पर आ चुकी है, जिसकी मेन वजह यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्च क्वार्टर में कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर दिया है। यूजुअली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का किसी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर देना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़कर रिसर्च करने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को कम करते हैं तो यूजुअली इसके पीछे कोई ना कोई मेजर रीजन जरूर होता है। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये 39.8 का है। इसके अलावा इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, जिसका ये मतलब है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अगर इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 57.4 का है, जो काफी अच्छा है। और कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तरफ देखें तो ये 2810 है, तो इसका ये मतलब है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लिए गए लोन के इंटरेस्ट को काफी आसानी से चुका सकती है। और साथ में अगर इसके करंट रेशियो को देखें तो ये 3.56 का है, तो इसका ये मतलब है कि शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स के लिए कंपनी के पास सफिशियंट लिक्विड एसेट्स हैं। अगर इसके रिटर्निंग रेशियोज की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% का है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.6 का है, ये भी काफी अच्छा है। और कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये 19.8 का है, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 21.8% की एक अच्छी CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दी है और इस कंपनी का पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, जो कि 26.8 का है। इसके अलावा इस कंपनी ने 52.6% के हेल्दी डिविडेंड पे आउट को मेंटेन रखा हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी का एक और पॉजिटिव ये है कि इसकी 10 साल की मीडियन सेल्स ग्रोथ 16.5% की रही है। और इसके साथ ही इस कंपनी का डेटर डेज भी काफी इंप्रूव हुआ है, जो कि 31.6 डेज से घटकर 24.8 डेज हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल के बेसिस पर ये कंपनी काफी ठीक है। तो अब जानते हैं वो रीजन जिसकी वजह से CDSL के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है, और उसके बाद जानेंगे कि क्या CDSL इससे दोबारा उभर पाएगा या नहीं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, ये वेल्दी विजडम की तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो CDSL के शेयर्स गिरने का सबसे पहला रीजन है BSE का इसमें डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, BSE CDSL की प्रोमोटर है और इन्होंने फरवरी में भी लगभग अपना 2.5% स्टेक CDSL से सेल कर दिया था, और अभी कुछ दिन पहले भी ने लगभग 4.5% स्टेक दोबारा सेल किया। तो जब प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के स्टेक्स को सेल कर देता है तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक तो होता है थोड़ा, लेकिन दरअसल BSE ये सब SEBI के कंप्लायंसेस की वजह से कर रहा है, क्योंकि SEBI के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई स्टॉक एक्सचेंज किसी डिपॉजिटरी में मैक्सिमम 15% तक का स्टेक ही रख सकता है, और ये रूल पहले 24% स्टेक्स तक था, जिसको SEBI ने अब अपडेट कर दिया है। दूसरा रीजन, डीमैट अकाउंट ओपनिंग की ग्रोथ रेट में कमी आना। तो देखिए, फिलहाल जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से डीमैट अकाउंट्स भी इंडिया में कम ओपन हो रहे हैं, और CDSL का रेवेन्यू तो डायरेक्टली डीमैट अकाउंट्स पे ही डिपेंडेंट है, और इसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यूज में उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जितना FY 21-22 के टाइम पे मिली थी। और मार्केट की स्लो ग्रोथ रेट की वजह से एक्टिव डीमैट यूजर्स में भी कमी आई है, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन भी कम
हो रहे हैं तो कंपनी का जो ट्रांजेक्शन फीस रेवेन्यू आता है उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन आप लोग तो स्टॉक मार्केट को समझते हैं और ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो जब मार्केट फिर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा तो डीमैट अकाउंट की जो ग्रोथ रेट है वो भी दोबारा बढ़ जाएगी और ट्रांजेक्शन भी बढ़ेंगे। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा CDSL को, क्योंकि वो एक मार्केट लीडर है। और डीमैट अकाउंट ऐसा नहीं है कि खुलने बंद ही हो गए हैं, FY23 में भी लगभग 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। ये नंबर बस FY22 के 3 करोड़ डीमैट अकाउंट से थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन मार्केट जब बुलिश होगा तो ये नंबर्स अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। तो CDSL का जो ये डिपॉजिटरी बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा फर्क पड़ा है, वो भी स्टॉक मार्केट की स्लो ग्रोथ की वजह से। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट चाहिए तो स्टॉक का करंट प्राइस अभी लगभग 1030 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कभी लगभग 1600 रुपए हुआ करता था। तो इसके ऊपर HDFC सिक्योरिटीज ने मई में 985 रुपीज का टारगेट दिया था, तो वो तो ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। लेकिन ICICI सिक्योरिटीज ने इसके स्टॉक को 1132 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और साथ में उन्होंने एक्यूमुलेट की रेटिंग भी दी है, जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को इकट्ठा करने के लिए दी जाती है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट लाते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल वेल्दी विजडम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।